में स्वागत है। और आज हम एक नए स्टॉक की बात करेंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है कल्पेश कटारिया साहब, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर आईजी पेट्रो के ऊपर वीडियो बनाएं, एक्सलेंट कंपनी है। तो थोड़ा समय लगा क्योंकि मैं कुछ कामों में बिज़ी रहता हूं और समय निकाल कर अपने दोस्तों को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स की ज़रूर सुनता हूँ और समय समय पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ और उनके कहे हुए अनुसार वीडियो भी बनाता हूँ कुछ फंडामेंटल्स देख के। तो पहले देखिए, उन्होंने ऊर्जा ग्लोबल पे उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। अरे भाई, आप आरओई आरओसी ईपीएस देख रहे हो और आप बोल रहे हो कि कैसे मल्टी बैगर बनेगा। ऊर्जा ग्लोबल में लोगों की कॉल थी कि मल्टी बैगर स्टॉक है और इतना छोटा स्टॉक, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। एक फ्रेंड ने और पूछा था मुझसे, तो मैंने शायद इस पर, मैं इस पर बुलिश नहीं था क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज़ से जो अभी करंट में इसके फंडामेंटल से कंपनी के जो इनका जो मैनेजमेंट है, तो मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो को दोबारा देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं था, इसलिए मैंने बाइंग की रिकमेंडेशंस नहीं दी थी। तो कटारिया साहब थोड़े से नाराज़ हैं, ये कोई TCS या इन्फोसिस नहीं है। हालांकि उनका भी कहना अपनी जगह सही है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। और ये उन्होंने कहा, आई डिसलाइक योर वीडियो, योर वीडियो इज़ नॉट डिज़र्व फॉर लाइक दिस वन पर्टिकुलर। एनी वेज, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मे बी आप यू आर राइट। भाई देखिए, आप लोग इन्वेस्टर्स हो, पैसा आपकी मेहनत का है और मैं कोई ईश्वर या भगवान नहीं हूँ या मैं सेंसेक्स में चलाता नहीं हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे को बोल दूँ और वो भाग ही जाए सॉरी, या वो मल्टी बैगर बन जाए। अब दो चीज़ें होती हैं, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ। हाँ, थोड़े से मैं टेक्निकल चार्ट देख लेता हूँ। हाँ, कंपनियों के पहले मैं स्टडी करता हूँ, कोई भी स्टॉक लेने से पहले, कोई किसी भी वीडियो में अगर मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ तो उस कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में जान के पहले जब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, तब मैं फ्रेंड्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप इस स्टॉक को पर्टिकुलर ले सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म पर्पज़ से। क्योंकि होता क्या है कि मैं अभी बोल दूँ आपको कि नहीं, आप ये स्टॉक उठा लो और पता चला कुछ दिन बाद कि वो 20% नेगेटिव पे आ जाए, नीचे आ जाए, तो आप मुझे कह दें कि सर आपने जो है यहाँ पे रिकमेंड किया था और वो स्टॉक टूट गया इतने परसेंट। नहीं, मैं देखता ही नहीं कि सेंसेक्स भैया कितना गया कितना नहीं गया, डजेंट मैटर। मैं तो कंपनी भरोसा करता हूँ और मैं एज एन इन्वेस्टर कि मैं इस कंपनी का इतने इतने पैसे का मालिक हूँ जितने के मैंने शेयर खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाता हूँ खरीद के, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ तो उसी हिसाब से मैं भी जो है अपने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने दोस्तों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि लॉन्ग टर्म पर्पज़ से, क्योंकि चैनल का नाम ही हमारे लॉन्ग टर्म शेयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा था आईजी पेट्रो में बनाइए, तो मैंने कंपनी के बारे में काफ़ी पढ़ा, वेबसाइट पर भी जाके पढ़ा, और जब मैं सेटिस्फाई हुआ तो मैंने जो फंडामेंटल आपके सामने थोड़ा सा मोटा मोटी चार्ट दिखाऊंगा और फिर आगे बताऊंगा क्या किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पर्पज़ से। मैं फिर से कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म पर्पज़ से, लंबी अवधि के लिए, 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। देखिए, शॉर्ट टर्म कॉल का भी कुछ पता नहीं होता कि हमें इलेक्शंस हैं, वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई बुरी न्यूज़ आ जाए, गवर्नमेंट ने क्या कदम उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट साहब ने क्या किसी कंपनी को पॉल्यूशन की वजह से कुछ बोल दिया, तो इन सब न्यूज़ से हमारे कंपनीज़ पे इफेक्ट पड़ता है और उनके स्टॉक पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए कुछ मोटा मोटी देखते हैं। और कल्पेश कटारिया साहब के जो उन्होंने गुजारिश की थी कि एलजी पेट्रो पे बनाया, सॉरी आईजी पेट्रो पे, तो यहाँ पे स्टॉक रहा आईजी पेट्रो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अब देखिए, आज है 15 मार्च और मार्केट क्लोज हो चुकी 4 बजे, और करीब अभी तो मैं 7 बजे वीडियो बना रहा हूँ, और आज का करंट प्राइस है 326 रुपये। आज फ्राइडे है और मार्केट 2 दिन बंद रहेगी, और 52 वीक हाई था इसका 798, अपने हाई से आधे से भी, हाँ करीब कम है, और 215 का लो बनाया था। और ये देखिए, 1003 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, यानी मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी सॉरी। और ईपीएस हम देख लेंगे, पी भी हम आगे देख लेंगे, बुक वैल्यू 171 की, प्राइस टू बुक है 1.90 की, और इंडस्ट्री पी है 5.27 की, डिलीवरेबल है 75% से ज़्यादा की, जो कि बहुत अच्छी बात है, फेस वैल्यू है 10 की इसकी। अब देखिए, रिटर्न की बात करेंगे हम पहले, तो पहले हम देख लेते हैं इंडस्ट्री है केमिकल्स है और मार्केट कैप यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि वहाँ साइड से कमी दिखा रहा है लेकिन ठीक है, आसपास ही स्मॉल कैप कंपनी है। पी है 7.24 की और इंडस्ट्री पी है 30.17 की। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है 1.24%, जो कि अच्छी बात है। डेट इक्विटी है 0.02 की, रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.11 की, अच्छा 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 रिटर्न है यहाँ पे,
पर इक्विटी, प्राइस टू बुक है 1.67, नेट सेल्स में देखिए डाउन साइड है 315 करोड़ की, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे इस दिसंबर 18 के क्वार्टर रिजल्ट में डाउन साइड है 17 करोड़ के आसपास की। 10 सालों में इसने 21-20% का रिटर्न दिया है, ये बात बहुत अच्छी है। 10 सालों में 2,120% का रिटर्न, और 5 सालों में 1,518% का रिटर्न आ जाए, मतलब आपने अगर 1,00,000 रुपये 5 साल पहले डाले हैं तो आपके 16,00,000 समथिंग हो गए, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है। और 2-3 सालों में भी 212% का बहुत ही अच्छा रिटर्न है, और एक साल से पिछले क्योंकि रिजल्ट भी इनके मेरे ख्याल से अभी आगे देखते हैं, एक साल वन ईयर में इन्होंने 53.15% के जो है नेगेटिव में है, मतलब 1,00,000 रुपये आपका 0.5 लाख 50,000 हो गया। ईयर टिल डेट है जिसने पैसे लगाए जनवरी में उनके 21% लॉस पे हैं, और वन मंथ में जिन्होंने पैसे डाले हुए हैं उसका 30%, मतलब इसने ज़बरदस्त यहाँ पे बाउंस बैक किया है, जो एक वर्ष में मिलना चाहिए वो उन्होंने वन मंथ में दे दिया, वन वीक में 3% की अपसाइड है। और एज़ पर मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी, दैट्स वेरी नाइस थिंग। सेल्स ग्रोथ है 3.84 की, EBITDA ग्रोथ है 5 ईयर्स की 57.08 की, नेट डेट इक्विटी है 0.27 की, और प्लेज शेयर्स यहाँ पे 0 हैं, गिरवी कोई भी शेयर नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी देखिए वेरी एक्सपेंसिव पे ये ट्रेड कर रहा है, और वेरी एक्सपेंसिव प्राइस टू अर्निंग जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव दिखा रहा है मीटर पी के हिसाब से, और ROE है इसका 13.11% के, ROCE है 48.52% के। तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, और मुझे लगता है कि अगर लंबे समय के पर्पस से लेना चाहे निवेशक तो थोड़ा सा वेट करें और डाउन साइड की, या फिर अगर जिनका 3 साल 5 साल 10 साल लेके भूलने वाला चक्कर है, तो कंपनी मैंने के बारे में मैंने पढ़ा जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा चलने वाले, उनकी हमेशा डिमांड बनी रहती है, चाहे फिनाइल हो, चाहे घर के कुछ केमिकल्स हो, चाहे वो अलग अलग कई इनके केमिकल्स की डिमांड रहती है, प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, तो हमेशा बनी रहेगी। और तो यहाँ पे कुछ लोग चाहें तो वेट भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि अभी ये और डाउन जाना चाहिए, पर उम्मीद कर सकता हूँ जिनको अगर नीचे मिले तो आप ख़रीद लें, और फिर भी लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अगर कोई ख़रीदना चाहे तो भी कुछ शेयर्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना लें, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड अभी फ़िलहाल नेगेटिव है, और स्कोर इज 13, रिटर्न हम देख चुके हैं। हम देख लेते हैं बोरोविंग कितने की, कर्ज़ा इनके पास मेरे ख्याल से इन्होंने कम किया हुआ है 17 मार्च से 18 मार्च में, जो कि अच्छी बात है। और देखिए इन्होंने क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं उसमें नेट सेल्स में इनकी 2% 3% की जो है नेगेटिव साइड है, और नेट प्रॉफिट में भी इनको काफ़ी यहाँ पर लॉस है, और मार्जिन में भी इनको जो है 11.5% के करीब इन पे जो है दबाव है। तो ऑब्वियसली इनके रिजल्ट्स भी वैसे ही दिखेंगे फिर, तो थोड़ा सा डाउन ट्रेड किया है। बट मैं आपसे फिर कहूँगा कि देखिए 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स ख़राब आने से कंपनी ख़राब नहीं हो जाती या उसकी बिक्री कम नहीं हो जाती, उतार चढ़ाव आता ही रहता है, हर आदमी के इंसान हर फैक्ट्री के हर प्रोडक्ट्स में हर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उतार चढ़ाव का ही मज़ा, एक तरफ मोनोटोनस होकर चीज़ें चलती रहेंगी तो मज़ा भी नहीं आता। न जो स्टॉक्स नीचे आते हैं तो नए इन्वेस्टर्स की बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो ऊपर सीधा भागता है तो वो गिरता ही बहुत तेज़ी से है अगर वो अच्छी। हालांकि यहाँ पे चलिए हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं, 68.9% एज इट इज़ इन्होंने मेंटेन की हुई है क्वार्टर में, और एक भी शेयर गिर भी नहीं। FIIs म्यूचुअल फंड्स की 7 स्कीम्स ने यहाँ पे पैसे लगा रखे हैं, FIIs 22 हैं इसमें जो कि, और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है यहाँ पे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं करीब 20%, और हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर होल्डर आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड 4.29% की। अबाउट द कंपनी, आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड प्रिंसिपल बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ पतलिक एंड हाइड्रिप एंड हाइड्राइब विच इज मे इफ आई एम नॉट करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा विच इज मेनली यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ प्लास्टिसाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ PVC प्रोडक्ट्स शूल सोल्स एंड अदर कमोडिटीज। पथेलिक एंड्राइड इज ऑल्सो यूज फॉर मैनुफैक्चरिंग अल्काइड रिजाइंस विच इज यूज इन पेंट्स एज एन इंटरमीडिएट इन प्रोडक्शन ऑफ डाइज एंड पिगमेंट्स
एंड इन प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर रिजन्स UPRS। अब देखिए पेंट में इनके केमिकल्स और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स में इनके केमिकल्स की डिमांड बनी रहती है, तो ऑब्वियसली ये केमिकल की कंपनी है और स्मॉल कैप है, तो बड़ी गुंजाइश रहती है कि आगे ग्रोथ करने का। और ऐसे स्टॉक्स तो मल्टीबैगर बनते हैं, जिस हिसाब से हमने 10 सालों में इनके रिटर्न देखे हैं बहुत ज़बरदस्त रिटर्न थे। और यहाँ पर देखिए केमिकल्स कंपनी हाउस है प्राइवेट, इंसेप्शन 1988 से काम कर रही है और डिविडेंड इसने 4 रुपये पर शेयर का दिया था 16 अगस्त 2018 को। 4 रुपये का तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और आज जी पेट्रोकेम 27th इन द इंडस्ट्री, 27वें नंबर पे है। तो दोस्तों अभी हमने मोटा मोटी इस कंपनी के बारे में देखा, आइए हम इसका EPS देख लेते हैं। EPS इन RS 2018 का 47.58 EPS भी इनका ज़बरदस्त है। इनका अर्निंग पर शेयर 47.58 रुपये जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कल्पेश कटारिया साहब को कि हमने इस पे जो है मोटा मोटी रिव्यू देने की कोशिश की है और मैं इस पे बुलिश हूँ। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बनाया है एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है, आप कोई भी शेयर लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर परामर्श कर लें। और थैंक यू वेरी मच, आशा है कि आपको स्टॉक पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।